हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने इस नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की डेट है 20 जून 2022। जी हां दोस्तों, और अभी मैं पहुंच चुका हूं मलिहाबाद। जैसा कि आप पीछे आप देख पा रहे होंगे, यहां पे लिखा हुआ है हिना फ्रूट कंपनी उमर फ्रूट कंपनी, हिना फ्रूट कंपनी उमर फ्रूट कंपनी। तो ये हिना फ्रूट कंपनी कंपनी का नाम है जहाँ पर जो है मलिहाबाद के फेमस दशहरी आम का इम्पोर्ट होता है और एक्सपोर्ट भी होता है दोनों। तो यहाँ पर जो है किसान भाई जो है आम लाते हैं अपने बागों से तोड़ के, और व्यापारी भाई आते हैं यहाँ पे ख़रीदते हैं और माल लोड करके अपने यहाँ शहर में ले जाते हैं। तो आज हम देखेंगे 20 जून की मंडी अपडेट, देखेंगे किस रेट में दशहरी बिक रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी हम चलेंगे यहाँ के जो ओनर हैं उनसे भी बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, अभी हम जो हिना फ्रूट कंपनी है उसके अंदर आ चुके हैं। भैया जी, सबसे पहले अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद नुज़ैर है। भैया का नाम मोहम्मद नुज़ैर है। तो भैया आम वाम आ रहा है बढ़िया? हाँ, आम तो आ रहा है, बहुत आ रहा है। ये मेरे वहाँ तो 25 तारीख से चालू हो गया था। अच्छा, 25 तारीख से? जी। अच्छा, कल मंडी इसकी खुली थी 1 तारीख से, लेकिन मेरे वहाँ 25 तारीख से लोडिंग चालू हो गई थी। अच्छा, 25 से? जी, मतलब पहले से ही चालू हो गई थी। तो चलिए, तो भैया जो है कल आम क्या रेट चला था? आम की मंडी तो थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है, डेली। कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी 30 रुपये में, कभी आपका 40 रुपये में, कभी आपका 25 रुपये में। ये तो मंडी है। हाँ, तो आज आप हमको आम दिखाओगे कि किस रेट में 20 जून को किस रेट में दशहरी मलिहाबाद में बिक रही है। तो भैया के साथ हम देखेंगे आम। तो यहाँ पर जो है हमारे किसान भाई भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो अभी तो फिलहाल आम जो है टूट टूट कर आ रहा होगा। जी अभी तो आ रहा है, ये देखिए आम टूट के आ रहा है, बढ़िया आम है, नंबर एक का। ये आप देख सकते हो हैंड पिक आम है। अभी ये मीडियम साइज है, ये आप देख सकते हो, ये पूरा हैंड पिक आम है, हाथ से तोड़ा हुआ आम। ये हैंड टू हैंड तोड़ा हुआ है, नीचे जमीन में नहीं गिरा है। किस रेट में भैया? ये आपका रेट होगा 30 रुपए 32 रुपए। 30 रुपए 32 का हैंड पिक आम। और ये आप साइज देख सकते हो, काफी बिग साइज, इससे भी बड़े साइज है, लेकिन ये थोड़ा मीडियम है, बड़ा इससे भी साइज यहाँ मलिहाबाद का है। और मलिहाबाद की दशहरी तो आपको वैसे भी पता है, वर्ल्ड फेमस है। अब तो यहाँ से विदेशों में भी जा रही है, पहले भी जाती थी, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही विदेशों में आम एक्सपोर्ट होने लगा यहाँ से। और भी भैया दिखाइए, इधर इधर देखो लगे हुए हैं आम। और आएंगे टूटते और टूटते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आम, सारा आपके यहाँ ज्यादातर लगता है हैंड पिक ही आता है भैया। जी, अगर आप थोड़े और लेट आए होते और बढ़िया, एक नंबर। शाम को आम आता है, बहुत अच्छा। मान लो अब किसान लोग तोड़ते हैं, भरते हैं, उसके बाद यहाँ पे लाते हैं। जी, तो ये किस रेट में भैया? ये भी ये 35 रुपए में। अच्छा, 35 रुपए में। जी, मंडी है, ऊपर नीचे होती रहती है। अच्छा, और बाकी डाल का भी आने लगा है। अच्छा भैया, मान लीजिए कोई ऑनलाइन चाहता है कॉल करके, पेमेंट भी वहाँ से कर दे, ऑनलाइन आम। देखिए यहाँ मंडी का मामला है, ये ऑनलाइन वाला नहीं होता है। अच्छा, आप अगर अकाउंट में रुपए डाल देंगे तो तुम्हारे एड्रेस पर गाड़ी लोड करके भेज देंगे। अच्छा अच्छा, कितना माल तक आप जो है दिला सकते हो? चाहे जितना ले जाइए। तो मंडी है, चाहे जितना ले जाइए, 2 गाड़ी 3 गाड़ी 4 गाड़ी, आप पैसा दीजिए, आम ले जाइए। अच्छा, बस इतना चाहे उतना हम ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और भी है भैया? बाकी ये किसान भाई अपने, इनसे बात कर लीजिए। तो दादाजी, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। निहाल अशरफ, हमरापुर मलिहाबाद। तो दादाजी जो है किसान है, आज आप आम लाए हुए हैं? जी, आम अभी आ रहा है हमारा। अच्छा, आपका आम अभी आ रहा है? जी। अच्छा दादा, ये बताइए आप डेली आम लाते हो? जी। कैसा क्या बिक रहा है? आम मंडी के हिसाब से बिकता है, 25 रुपए से लेके 45 रुपए तक। अच्छा, जो हमारे 32 34 35 जैसा रेट हो, जैसा आम हो। जो कंपनी के ओनर हैं उनका क्या? वो मोहम्मद उमर अहमद। अच्छा, पैसा लेन देन में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बेहतरीन, बहुत बेस्ट है मैं। अच्छा जी, जैसे आम मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं, आप नहीं आए, आम आ गया, आम आ गया, बिक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हम तो बहुत कम रुकते हैं यहाँ, आम ला के डाल दिया। अच्छा, चले गए घर। आप मतलब इस कंपनी से संतुष्ट रहते हैं? बहुत बहुत ज्यादा। तो आप देख सकते हो, अगर आप इस कंपनी में आम लाते हो तो आपको कोई भी फिक्र नहीं। हिना फ्रूट कंपनी एंड उमर फ्रूट कंपनी, दो वो है ना। अच्छा, तो दोनों का ब्रांड यही। अच्छा, आता है। तो रात को आप आओगे ना, लगभग 7-8 बजे तो पूरा फुल हो जाता है, पूरा फुल हो जाए, यहाँ जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, यानी गाड़ी गाड़ी लगती है, गाड़ी लोड होती है, उतरती है, आती है। रोड की वजह से जो है थोड़ा दिक्कत हो सकती है,
यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जगह ठीक है, बाकी और आगे प्रॉब्लम है। यह बात की जो कच्चे आम की मंडी है वो शाम की मंडी है, वही अभी से स्टार्टिंग हो जाएगी 5 बजे से रात 6-12 बजे तक की इसकी वो रहती है चली। उसके बाद लोडिंग, उसके बाद लोडिंग होती रहती है, आम बिकता रहता है, लोडिंग होती रहती है। अच्छा, काम साफ सफाई करने वाला कभी वो उसकी अड़क खाली नहीं रहेगी। हाँ तो सही, अच्छा काम करोगे तो अच्छा काम करते हैं, व्यापारी भी आएंगे। हमारे आढ़ती बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आप देख सकते हो ये भैया की जो फ्रूट कंपनी है, यहाँ पर किसान भाई अपने मुख से बता रहे हैं कि कैसा क्या यहाँ का सिस्टम है। तो अगर आप लेना चाहते हो तब भी आ सकते हो, या फिर आपको किसान हो बेचना है तब भी आप यहाँ पे आ सकते हो। भैया नंबर वगैरह बोल सकते हैं आप? ये नंबर बाहर है, बोर्ड पे लगा हुआ है। चलिए मैं नंबर भी लगा दूंगा, ये नंबर है, आप सबसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए जी, कच्चे आम के लीजिए, पक्के आम के लिए दोनों भी, डाल का भी मिलेगा आपको, डाल का भी आपको लेना है आपको सुबह मंडी में आना होगा। अच्छा, सुबह 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 मंडी होती है उसकी, डाल का क्या रेट स्टार्टिंग हो जाती है? डाल का अभी जो रेट है वो 1700, 1800, 1400, वो भी उसका आम के ऊपर डिपेंड है। अगर टाइट आम है तो आपका 1400-1500 होगा, थोड़ा अगर लूज है वो 1000-800 रुपए। अब ये देखिए डैमेज है इसकी, कोई मान लीजिए ये सुबह आया था, ये सुबह आया था, डैमेज हो गया है माल। अच्छा, डाल का ही है ये आम जो है, लूज मार रहा है तो ये बस 200-300 रुपए कैरेट का, 200-300 रुपए इसका कैरेट का आम। डाल का है ना भैया? जी जी, डाल का है, देख सकते हो डाल का आम, लूज की वजह से पाल का लग रहा है, लूज की वजह से इसके रेट कम हो गए। हाँ, और जो बढ़िया सुपर आता है तो 1400-1500 रुपए कैरेट, और फिर मंडी के हिसाब से 700-800। सुबह अगर किसी को डाल का आम चाहिए तो कितने बजे? सुबह 7 बजे आ जाए, मिल जाएगा 7 से 9 तक। 7 से 9 तक जी, 9 बजे तक मिलेगा तो आपको 10-11 तक, लेकिन एक नंबर का जो मिलेगा। अच्छा, आपको चाहिए तो सुबह 7 से 9 तक मिलेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर अगर कच्चा माल चाहिए तो आप शाम को आ सकते हो, वही मान के चलो 5 बजे आ जाओ, आम आने लगता है 5 बजे के बाद। और अगर डाल का चाहिए तो आप सुबह आ सकते हो। मुझे लगता है कि जो है दुबग्गा से अच्छा आम यहाँ मिल जाएगा। जी जी, जो किसान दुबग्गा मंडी नहीं पहुँच पाते वो यहीं पे ले आते हैं तो आराम से बिक जाता है। दोस्तों जब मलिहाबाद आप आते हो और लखनऊ की साइड जाते हो तो जो है आपको बहुत सी दुकानें आपको दिख जाएंगी आम की, इस तरीके से ये आप देख सकते हो। अगर आप मलिहाबाद का फेमस आम ले जाना चाहते हैं तो आप इन दुकानों पर भी ख़रीदारी कर सकते हो। हमारे साथ एक भाई जुड़े हुए हैं। भैया जी आप सबसे पहले अपना शुभ नाम बता दीजिए। रिंकू। भैया का नाम रिंकू है, आपकी दुकान का क्या नाम है? हमजा। हमजा फ्रूट सेंटर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत से वैरायटी के आम लगे हुए हैं भाई की दुकान पे। तो भैया ये कौन सा आम है? ये जामीन। जामीन, ये देखिए भाई ये है जामीन आम, और ये पाल है ना? पाल का आम है। क्या रेट का बिक रहा है वैसे मलिहाबाद में? ये 80 रुपए। ये 80 रुपए का यहाँ मलिहाबाद में अगर आते हो तो मिल रहा है, और लखनऊ वगैरह में लोगे तो ये काफ़ी महंगा होगा, 120-120 रुपए में तो ज़रूर मिलेगा। और ये दूसरा आम कौन सा है भैया? खासम खास। ये देखिए पास से दिखाओ, खासम खास इसका नाम है भाई, खासम खास। ये ज़रूर खाने में कुछ खास होगा। कैसा स्वाद होता है इसका? अच्छा होता है स्वाद, बढ़िया। हाँ बढ़िया। ये भी जो है आपका पाल का है ना? अभी डाल का नहीं आ रहा है। ये डाल का है। ये देखिए ये है डाल का, ये कौन सा भैया? ये रैम्बो। रैम्बो, ये देखिए आसमान में आप लोगों ने रैम्बो देखा होगा, लेकिन आम भी देख लीजिए रैम्बो। ये कैसा होता भैया खाने में? ये बढ़िया होता खाने। अच्छा, किस रेट का है ये? 80 रुपए में है। 80 रुपए में? ये 70। अच्छा, देख सकते हो 80, 70, 80। अब आ जाते हैं मलिहाबाद की जो फेमस है वो है दशहरी। ये देखो भाई कितनी बड़ी दशहरी, लगभग होगी ये 300 ग्राम की ना भैया? ये किस रेट में है मलिहाबाद की? 80 रुपए। ये भी आपको 80 रुपए में मिल रही है भाई, तो आ जाओ जल्दी से ले लो आके मलिहाबाद दशहरी 80 रुपए में। टॉमी एटकिंस, ये देखिए काफी खूबसूरत आम, कलरफुल आम। एक ही है क्या भाई? एक ही है। अच्छा, अब ये ज्यादा पकते नहीं होंगे ना? पक नहीं रहा। इधर आप देखिए, इधर भी एक रखी हुई, ये दूसरा है कि वही है? हाँ मल्का। ये देखिए भाई मल्लिका आम, मल्लिका सरावत। ये सनसेशन। अच्छा, ये सनसेशन है, ये मल्लिका है। मल्लिका वो हेरोइन नहीं है, वो वाला नहीं है, आम है मल्लिका, देख सकते हो। इसके साथ साथ दशहरी है, और ये भाई कलरफुल कौन सा है? देखिए भाई सुनहरा, जैसा नाम वैसा काम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आम है सुनहरा, नाम भी इसका सुनहरा और काम भी सुनहरा। ये 80 रुपए में है। ये किस रेट में? 70 में लग जाएगा। ये किस रेट में भैया?
ये 2000 रुपये गत्ता है 5 किलो। तो गाइज आप देख सकते हो ये जो आपको सुनहरा मिलेगा 2000 रुपये का 5 किलो आम, क्योंकि ये सुनहरा है ना तो इसकी कीमत ज़्यादा है। खाने में भी काफ़ी मीठा होता होगा, खाने में टेस्ट है। अच्छा तो नहीं भैया क्या करेंगे खा के अभी आम खाएंगे उसमें कम पड़ जाएंगे, फ़ायदा क्या नहीं मार लेंगे। अच्छा तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों ने देखा भैया की दुकान पे मैंने पके आम का दिखाया और भैया की कंपनी पे गए थे कच्चे आम का रेट भी दिखाया। अगर आप जो है मलिहाबाद आते हो कच्चा और पक्का दोनों आम मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया, वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।